Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में छुपे हुए राजों पर से पर्दा उठाने के लिए डॉक्टर थॉमस हार्वी को एक टीम की जरूरत थी। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया कि वो आइंस्टाइन के दिमाग के उन टुकड़ों पर डिटेल्ड रिसर्च करने के लिए उन्हें दुनिया के सबसे होशियार न्यूरोपैथोलॉजिस्ट्स के पास भेजेंगे। 1955 में ब्रेन चोरी करने के 30 साल बाद 1985 में पहली बार इस मौजू पर एक तफसीली रिपोर्ट शाया की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस स्पेशल ब्रेन पर तहकीक का काम जारी रहा और एक एक करके सारे राज खुलते चले गए। मालूम ये हुआ कि आइंस्टाइन का दिमाग वाकई दूसरे इंसानों से बहुत मुख्तलिफ था। सबसे बड़ा फर्क दिमाग के कॉर्पस कलूजम नामी हिस्से में पाया गया। हमारा दिमाग दो मुख्तलिफ हिस्सों में काम करता है। हमारे जिस्म के दाएं हिस्से को दिमाग का बायां हिस्सा कंट्रोल करता है और बाएं हिस्से को दायां हिस्सा कंट्रोल करता है। 90% लोगों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, हिसाब लगाने और लिखने पढ़ने के दौरान ज़्यादा एक्टिव होता है, जबकि राइट ब्रेन क्रिएटिविटी, आर्ट और म्यूजिक से मुंसलिक सलाहियतों के लिए जिम्मेदार होता है। जब हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो कुछ अल्फाबेट्स हम अपने सीधे हाथ से लिखते हैं और कुछ अपने उल्टे हाथ से। लेकिन अगर टाइप करते हुए हमारे लेफ्ट हैंड से कोई गलती हो जाए तो हम इस गलती को ठीक करने के लिए अक्सर अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये कि अगर एक हिस्से से गलती हो जाए तो दूसरे हिस्से को इत्तला करके हमारा दिमाग उस गलती को सुधार लेता है। हमारे दिमाग के ये दोनों हिस्से जिस जगह से आपस में राब्ता करते हैं उसी हिस्से को कॉर्पस कलूजम कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का ये हिस्सा काफी बड़ा था। उनके दिमाग के ये दोनों हिस्से एक आम इंसान के मुकाबले में ज्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करते थे। यही वजह थी कि वो एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते थे और सिचुएशंस और सॉल्यूशंस को इमेजिन भी कर सकते थे। इसके अलावा उनके दिमाग का पैटर्न भी मुख्तलिफ था। उनके दिमाग की लाइंस काफी पतली थीं और यही वजह थी कि उनमें न्यूरॉन्स की तादाद और उनका फ्लो ज्यादा तेज था। और तो और उनके दिमाग का वजन 1230 ग्राम था, जबकि एक आम इंसान के दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है। हैरत अंगेज बात तो ये है कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए तो 5 साल की उम्र तक बोल नहीं सकते थे और उनका हाफिजा भी काफी कमजोर था, मगर वो रियाजी और साइंस के माहिर थे। रट्टा लगाने की बजाय वो हर चीज को खुद करके समझना पसंद करते थे। 12 साल की उम्र में वो ज्योमेट्री और 14 साल की उम्र तक कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। स्कूल में भी उनके असातजा इस बात से घबराते थे कि कहीं वो क्लास के दौरान कोई अनोखा सवाल ना पूछ लें, और अगर कोई उनके सवालात का तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाता तो वो खुद उसका हल निकालने में लग जाते। वो इस कायनात के उसूलों को एक सिंपल छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और यही मकसद उनकी जिंदगी का महवर था, और वो दरिया को कूजे में बंद करने के इस मकसद में कामयाब भी हुए, क्योंकि उनकी इक्वेशन E=mc² के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये स्पेशल ब्रेन आज भी अमेरिका में मौजूद द मटर म्यूजियम में महफूज है और लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। Until then, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।